नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ नितिश सिंह। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं और देखिए एक नया पोस्टर यहां पर लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यहां पर तस्वीरें हैं, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनकी तस्वीरें हैं। लेफ्ट के तमाम जो नेता हैं उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर महागठबंधन का बिहार के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च। दिनांक भी बताया गया है 7 अगस्त 2022, समय दिन के 11 बजे, स्थान जिला मुख्यालय, और ये निवेदक जो है महागठबंधन बिहार है। आपको बता दें रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर अक्सर आपने देखा होगा पटना सहित बिहार के सभी जिलों में राजद के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जाता है, और अब जो है ऐलान कर दिया गया है महागठबंधन की तरफ से 7 अगस्त 2022, यानी कि चंद दिन बचे हैं अब से कुछ दिनों के बाद महागठबंधन के जो नेता हैं एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे और प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। आपको बता दें इस समय तेजस्वी यादव दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली से जब पटना आएंगे तो पटना में तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद प्रतिरोध मार्च पटना की सड़कों पर देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है इस समय देश में महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, खासतौर से युवा जो हैं उनमें निराशा है, सरकार को लेकर लगातार जो है खिलाफ नज़र आते हैं, और अब प्रतिरोध मार्च निकालने का बिहार महागठबंधन ने फैसला किया है। तेजस्वी यादव की यहां पर तस्वीरें लगाई गई है और साफ तौर से देख सकते हैं इस पोस्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी जो है वो हो रही है। हालांकि राजद कार्यालय में इस वक्त सुबह का समय है, कोई बड़े जो नेता है वो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं प्रतिरोध मार्च निकालने की जो तैयारी है वो महागठबंधन के अंदर खेमे में चलती नज़र आ रही है। आपको बता दें प्रतिरोध मार्च जो है 7 अगस्त को निकलना है और सभी जिला मुख्यालयों में ये जो है मार्च जो है वो नज़र आएगा। इससे पहले भी आपने देखा होगा बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लगातार जो है घेरते नज़र आए हैं, और कल जब राज्यसभा में यहाँ के जो सांसद हैं राजद के सांसद मनोज झा, उन्होंने भी जो है महंगाई को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही साथ GST को लेकर भी सवाल किया। जिस तरीके से देश में खाद्य पदार्थों पर GST लगाया गया है इसको लेकर भी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं इस वक्त सरकार को कोसने में लगे हैं, और अब बिहार में महागठबंधन के सभी नेता जो हैं एक बार फिर सड़क पर उतरने दे नज़र आएंगे। हालांकि इस बार इस तस्वीर में खास नज़र ये भी आ रहा है कि महागठबंधन लिखा गया है, और जैसा कि महागठबंधन में पिछले कई महीनों से खटपट की खबरें थी, उपचुनाव की बात कर ले या अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस अलग थलग नज़र आती थी, लेकिन इस पोस्टर में आप साफ देख सकते हैं सोनिया गांधी की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ सभी पार्टियों के जो चुनाव चिन्ह हैं उनको भी यहाँ पर लगा दिया गया है, और यहाँ पर निवेदक महागठबंधन बिहार बताया गया है। यानी कि एक बड़ा जो जनसैलाब है कार्यकर्ताओं का वो पटना सहित बिहार के सभी जिलों में देखने को मिलेगा, और देखना होगा जब राजद सहित तमाम विपक्ष की पार्टियां सड़क पर उतरती है तो क्या कुछ होता है, हम आपको अपडेट कराएंगे। आप बने रहें NBC 24 के साथ। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।